अरे रिलीजन इज द एफएम धर्म का फीम है। अरे क्विक नशा दी चढ़ गया, अब की बार मोदी 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 लो हो गया। अरे भैया ये अब ये तो भैया किसी को भी नशा का पिला दीजिएगा तो बोलवे ना करेगा। तो रिलीजन इज द एपम धर्म एक हफीम लगाया नारा जय श्री राम उसमें कूद गया सब। 200 सीटें आएगी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि आप पूरा बंगाल का मूडी अपने पास रखे हुए हैं। 2019 में जब आप कहा था आपकी बार 300 पार तो 300 पारो हो गया, वो कैसे हो गया ये कान में बताना, दूसरों को मैं बता। ये भाई कान में क्या बता, हम आवाम को बताएंगे, ईवीएम का खेल है, पहले तो बता रहे तीर ना, तो वो भी लुटा गया। सुनिए ना, तीर से कमर नहीं टूटता, तीर तो घुसता है। ए सर इतना बड़ा छेद हो गया, सर घुस गया सो घुस गया, अब नहीं घुसने वाला, आया समझ में? अब भैया ये जान गया सो जान गया, तीर पर फूल लगा के मारा है ना ये भैया, इसीलिए तो किसान मोर्चा में आए हैं, सब भगवान मर गए, अब यही किसान भगवान को बचलवा है, अब एक पड़वा तो निकलवा। पहला मॉडल बिहार में लागू हुआ था, बोला कि जहाँ माल वहीं बेचो, तो सब तो करोड़पति बन गया बिहार में, तो कहा यहाँ बउआ रहे करोड़पति, सब किसान करोड़पति। अरे ये तो लॉकडाउन में पता चल गया कि कितना करोड़पति था। अभी तो तुम राम का रूप देख रहे थे उसमें, अब रावण बता रहे हो, ठीक ठीक बता दो कौन है ये भैया। ये रावण के वंशज, हमको नहीं पता था कि राम के है। हाँ ये भैया इनका कर्म बताया कि बेटा हम राम नहीं रावण है, जिसको चुना हो वही बिना महिला का था, महिला का खुद खाएगा ये भाई, और जाने अब ऐसा बात कर दिया, हमका जाने देखिए बिना महिला का है, महिला कर लोगे 40 साल हिमालय में घूमोगे तो कौन महिला टिकेगा तुम्हारे पास। लेकिन आजकल IT सेल में भी जो काम कर रहे हैं, इन राजनीतिक पार्टियों को जो गाली देने पे 1 रुपए पर गाली मिलती थी उसका भी रेट कम हो गया है, आप 1 रुपए में 4 गाली देना पड़ेगा हमें आपको, हमारी बात सुन सुन के, तो 1 रुपए में आप 4 गाली देते रहिए। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। दोस्तों नमस्कार, खड़ा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे और ये साहब आए हैं पटना से, इनसे बात हुई तो पता चला ये पटना से आए हैं, तो पटना से यहाँ क्या करने आए, ये आंदोलन तो कहते हैं सिख का है, हरियाणवी का है, पटना वाले का थोड़े आंदोलन है, कहाँ से आ गए यहाँ पे आप? ये पूरे जन आंदोलन है सर, ये पटना का ही आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है, चूँकि यहाँ से एक एक जो बच्चे भी हैं उन पर भी कर्जा है, और जो काम करने वाले हैं वो बंधुआ मजदूर हैं, और जो अभी किसान भाई जो मालिक बन रहे हैं वो कल मजदूर के नजर में नजर आएंगे, ये ऐसी इनकी बिल है। तो ये बिल को देखते हुए कल के डेट में ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज से भी खराब कानून आने वाला है, अंग्रेज को तो हमने देखा नहीं लेकिन पढ़ा है कि उनके साथ पहले बंधुआ मजदूर कोड़ा लेके मारते थे है ना, और टैक्स वसूलते थे, आज सरकार भी हमारे साथ वही कर रही है। अभी मैं पटना से आया हूँ और 510 रुपया मेरा भाड़ा लगा है, ये मैं टिकट दिखा रहा हूँ कि अभी GST उसमें 289 रुपया ये टिकट है मेरे पास, 289 रुपया इसमें लग गया है टैक्स GST। आप सर कल्पना कर लो कि पटना से हम यहाँ आए हैं, 206 रुपया टिकट का दाम है और 289 रुपया GST लगा, आप बताओ देश को बेचने वाला कैसा होगा, कितना टैक्स लेगा, 100% से भी ज्यादा हो गया सर। 206 रुपये का टिकट में 289 रुपया हमारा GST लिया, तो कितना रुपया ले लिया। अब ये भी बात लोगों को समझ में नहीं आती है तो कब बाल मुड़वा के घुमाएगा तब समझ में आएगा, तो समझ में आइए अब क्या होगा, तो समझ में आ जाता तब पिछला चुनाव जो अभी हुआ था मोदी जी तो पटा लिए ना आपको, तो पटने वाले को तो पटा लिए वो, सर काहे को पटाएंगे, तभी तो सरकार बना पटा। अरे नहीं भैया ईवीएम उनका खेल है, वो मास्टर स्टॉक अपने पास रखे हुए है, अब कहीं इधर उधर फेल हुआ तो अपना स्टॉक दबा देते हैं, नतीजा सब जाओ बिहार का खेल देख ही लिया आपने, क्या हुआ देख लिए, जो आदमी मैंने 10,000 कह रहा है, अभी DM कह रहा है 5,000 वोट से जीत गया, उसको कह रहा है यह 1 घंटा के बाद कहता है कि ये तो 2500 वोट से हार गया, ये देखो बिहार का न्यूज। ओकरे राज बना हो तो अगर जे मर जकरा मर्जी ओकरे जीता है भाई, तो कह तो दिए कि ईवीएम उनके पास मास्टर स्टॉक है, अभी बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, अमित शाह जिसको ताड़ी पार आप कहते हैं, वो कार ना जाने का नाम देते हैं, भगवान मालिक है, लेकिन उन्होंने कितना कॉन्फिडेंस से कहा 200 सीटें आएगी,
इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि आप पूरा बंगाल का मूडी अपने पास रखे हुए हैं? तो एक बात बताओ, किसी को बताना मत, 2019 में जो आप कहा था आपकी बार 300 पार, तो 300 पारो हो गया, वो कैसे हो गया? ये कान में बताना, दूसरों को मैं बता। ये भाई कान में क्या बता, हम आवाम को बताएंगे, ईवीएम का खेल है, पहले तो बता रहे। जोर से बोलोगे? अरे भैया जोर से क्यों नहीं बोलेंगे, अरे डकैती हो रहा है तो सीना जोरी हो रहा है ना, इनमें चोरी थोड़ी हो रहा है। और जिसको डालना है डाल, लेकिन खिलेगा तो कमल निचड़ा कि वो रहा, पूरा वीडियो तो दिखा रहा है ये बीएम को, फाड़ फाड़ के तोड़ तोड़ के दिखा रहा है कि यहाँ डाला तो यहाँ बिपेट निकला, और उसके बाद फिर बता रहा है कि रिजल्ट कमल का है। अरे ये कौन सिस्टम हो गया, आँख आँख तले धोखा। अच्छा। तो इतना बड़ा सिस्टम, जबकि चुनाव आयोग को कह दिया, सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, अब बताओ सारे के सारे को आँख बंद के पड़ा हुआ ये बेचारा किसान। महकमा मुंह में लीजिएगा तभी तो आवाज। अरे महकमा काहे ला लेंगे सर, आप पूरा महकमा जनता को दिखाएंगे ना। एक बात बताइए, एक बात बताइए ना, 2014 में आप भी थे, आपकी बार वाला में आप भी थे ना 2014? अरे नहीं सर, वो यो तो, अरे रिलीजन इज द एफएम, धर्म में काफी मैं, अरे क्विक नशा दी चढ़ गया, आपकी बार मोदी 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 लो हो गया। अरे भैया ये अब ये तो भैया किसी को भी नशा का पिला दीजिएगा तो बोलवे ना करेगा, तो रिलीजन इज द एपम, धर्म एक हफीम, लगाया नारा जय श्री राम, उसमें कूद गया सब, कूदा तो बाद में तीर चला था, कहे बड़ी दर्द हो रहा है, वो तो किसी का कमर टूटा है, हाई टूटा, अभी देखो यहाँ हालत, पटना से आए हैं अब 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद तो टिकट मिलता है। पटने में रहिए, इधर आइए पहले। पटना में कैसे रहे रे बाप, वहाँ तो और रोटियों नहीं मिलेगा, अरे कम से कम इनके साथ रहेंगे तो जो है चिजवा बचल रहेगा, नहीं तो वो भी लुटा गया। तीर से कमर नहीं टूटता, तीर तो घुसता है। सर इतना बड़ा छेद हो गया है, यदि इसमें जो नहीं जुटा, चाहे नौजवान हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे टमटम वाला हो, चाहे पढ़े वाला हो, चाहे नौकरी करे वाला हो, सबको यहाँ आना पड़ेगा। तो वह तीर तो घुसा है इस पिछले इलेक्शन में, अब तीरे के साथ फूल घुसा है। अरे सर घुस गया सो घुस गया, अब नहीं घुसने वाला है, आया समझ में? अब भैया ये जान गया सो जान गया, तीर पर फूल लगा के मारा है ना ये भैया, इसीलिए तो किसान मोर्चा में आए हैं, ये माय बाप अब तो ही है बचावा, दूसरा कोई रास्ता ना है, सब भगवान मर गए, अब यही किसान भगवान को बचलवा है, अब एक पड़वा तो निकलवा और न तो गेला काम से। अच्छा एक बात बताओ, अब सिर्फ सुनो, बिहार में तो मंडी खत्म है, ठीक है ना? मंडी तो है ना वहाँ पे, ना कहा कि मंडी वंडी सब खत्म है। सबसे सुनो सवाल सुन लो, पहला मॉडल बिहार में लागू हुआ था, बोला कि जहाँ माल वहीं बेचो, तो सब तो करोड़पति बन गया बिहार में, तो कहा यहाँ बउआ रहे हैं करोड़पति, सब किसान करोड़पति। अरे ये तो लॉकडाउन में पता चल गया कि कितना करोड़पति था, ये तो लॉकडाउन में पता चला ना कि कितने करोड़पति थे, जो कि जाए लगी अगर रिक्शा भी नहीं था। देखे ना एक बिहार की ही लड़की अपने बाप को बैठा के साइकिल हरियाणा से घर पहुंची, देखा ना कितना बड़ा करोड़पति किया भैया, उतना तो हो गया सो हो गया, ऊपर से एगो GST कहाँ से लाद दिया, ऊपर से ना जाने अब किसान आंदोलन, अब देखिए इसकी दलित को तो कुचल दिया, मुसलमान कुचला गया, सिख पर भी फेरा लगाया, कामयाब ना हुआ, तो बेटा किसान ही जमीने अब खींचो, अब जमीन का ऐसा न लफड़ा लगाया कि मैं कोई नहीं बचा, बड़का भी चला गया, छोटका भी चला गया, मंझल का भी चला गया, तब आज यहाँ पहुँचे हैं। हम कहे बेटा आप कहीं उस जगह ना हो, एकरा से पार नहीं पाओ, तो ये भैया ये रावण के वंशज हैं, अब इनको से जगह नहीं मिलेगा। भैया ले भैया, अभी 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 तो तुम राम का रूप देख रहे थे उसमें, अब रावण बता रहे हो, ठीक ठीक बता दो कौन है ये भैया, ये रावण के वंशज, हमको नहीं पता था कि राम के हैं। हाँ ये भैया इनका कर्म बताया कि बेटा हम राम नहीं रावण हैं, हाँ वो ये है, तो अब हमको पता चला, तो इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि ये दिखा दिखा के खूब दिखाइए, खाली गोदी मुदिया देखिए, ये मीडिया का क्या हालत है, गोदी मीडिया है मुदिया, इतना बड़का आंदोलन हुआ कभी दिखाया? महिला का महिला दिवस हुआ, कम से कम तो मैंने 1 लाख लोग पहुंचे हुए थे,
और आज तक दिखाया कि एक महिला को दिखाया उसने, गाजी बॉर्डर को दिखाया, एक को नेशनल चैनल बता दीजिए। जिसको चुने हो वही बिना महिला का था, महिला का खुद दिखाएगा। ये भाई और जाने, अब ऐसा बात कर दिया हमका जाने के कि बिना महिला का है। उनका महिला तो बाद में पता चला, चुनाव आया जब एफिडेविट दिए तब पता चला। उनको कहाँ पता था, वो तो कहें कि बिना महिला का, महिला का, महिला कर लोगे 40 साल हिमालय में घूमोगे तो कौन महिला टिकेगा तुम्हारे पास। अरे भैया हम तो जान गए, वो तो कह दिया ना कि भैया तू अपना लौकड़ी लो बढ़िया कमा लो, तो वो अपना मास्टर निकलने लगा, वो अपना खाया पिया लेस लिया, अब ये बना इधर की संग। तो साधु आशीर्वाद उनको मिला कि नहीं तुम देखोगे। तो बिहार से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या मैसेज लेके आए हैं बिहार से किसानों के लिए, क्या बोलने आए हैं? अरे भैया हम किसानों को लेके नहीं, अब पूरा किसान आंदोलन को मुट्ठी बंध दिए हैं। अब ये पूरा बिहार, यूपी, हरियाणा से पंजाब से लेके पूरा देश में जहाँ जहाँ चुनाव होगा इनके पीछे पीछे लग जाएंगे। अभी बंगाल में लगे हुए हैं, इनको 200-400 को जितना सीटवा है ना, और सब सीटवा के पीछे हमार गाड़ी रहेगा, किसान मोर्चा है ना। बस कितना दूर चलेंगे, अब भले अभी उनका पैसे बताइए कि एक रिमोट कंट्रोल उनके पास है, वो रहेगा तो निकलेंगे, नहीं रखने का तो गए काम से। बस यही इतना बात है। अब वहाँ देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है, लेकिन वहाँ इनकी सरकार नहीं है, चलेगी नहीं है, वहाँ बिहार नहीं है। बिहार में इनकी सरकार थी चल गई, लेकिन बंगाल में नहीं चलेगी, ये कंफर्म है। एकदम में बौराए गए हो लगता है, बहुत तकलीफ दिया इस हम कहा है, बाप रे बाप, पैर तोड़ीस, हाथ तोड़ीस, देह तोड़ीस, कमर तोड़ीस, पीठ तोड़ी, तनी मन सांस बचा था ओकरों में फांसी लगा दीस, अब तो अब नहीं बचेगा, अब तो खाली बस करा डेथ वारंट तोरा इशू हो गया, डेथ वारंट इशू हो गया, टाइम नहीं बताने के समय पर, खाली टाइम अपने पास रखे हो, डेथ वारंट कर दिया, पूरे को कर दिया, सब बंधुआ मजदूर बन जाओ, ऐसा कर दिया है। तो आप बताइए कि हम क्या करें सर, मरता क्या ना करता, अब ये को सांस बचा था किसान आंदोलन, हम कहे भाग रे बाप रे बाप, बच्चे का यही एगो रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक बात बहुत बढ़िया कही इन्होंने, एक ही रास्ता बचा था किसान आंदोलन, यही चीज इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लड़ाई हर आदमी लड़ रहा है, नवयुवक लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहा है, निम्न वर्गीय लड़ रहा है महंगाई से, मध्यम वर्गीय लड़ रहा है महंगाई से, ये चीज़ें आप भी समझ जाइए, साथ में खड़े हो जाइए इन गार्जियन के साथ आगे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ अकेले लड़ेंगे, 4 आदमी को भेज के आपके रैली में, आपके हुजूम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगा के जाएगा, फिर वो वीडियो शूट होके आप पे लठ बरसाया जाएगा, देशद्रोही का तगमा दे दिया जाएगा। ऐसे ऐसे जुगाड़ गोदी मीडिया लगा के आती है आपके आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, और ऐसे ऐसे हायर किए हुए कुछ भटके हुए नवयुवक हैं जिनके आँख पे जो चश्मा चढ़ा हुआ है, वो चश्मा तो खैर उतर जाएगा, लेकिन आजकल आईटी सेल में भी जो काम कर रहे हैं इन राजनीतिक पार्टियों को, जो गाली देने पे 1 रुपये पर गाली मिलती थी, उसका भी रेट कम हो गया है। आप 1 रुपये में 4 गाली देना पड़ेगा हमें आपको, हमारी बात सुन सुन के, तो 1 रुपये में आप 4 गाली देते रहिए। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। नमस्कार, सोचिएगा।